हेलो एवरीवन, दिस इज दिलशा अख्तर, केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ सेंट जेवियर स्कूल। टुडे आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट दिस, हाउ टू गेन मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशंस। ओके, आज ये देखेंगे हम कि कोई भी, अगर आप कोई भी टॉपिक नहीं पढ़े हैं और आपके बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक हैं, तो मार्क्स को गेन कैसे करें, ठीक है, आप कैसे कम समय में कैसे आप क्या कर सकते हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आप जो है आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं कैसे है। ठीक है, चलिए देखिए, जैसे ये है आपका केमिस्ट्री का पेपर, ठीक है, केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक है। अब देखिए, जैसे सेक्शन ए सेक्शन वाइज रहता है, तो ये है आपका सेक्शन ए। जैसे इसमें आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कुछ आएंगे, ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, जैसे आप कुछ भी नहीं पता, ठीक है। देखो पहले सेक्शन ए, जैसे आपको कुछ भी नहीं पता है, देखो ए है कि जैसे ऑप्शन में, जैसे मान लीजिए कोई भी आपका हो गया जिसमें ए है, बी होगा कि सी होगा कि डी होगा, आपको लेट सपोज कुछ भी नहीं पता है, 16-17 क्वेश्चन है, ओके। तो आपको क्या करना है, लेट सपोज जैसे सेक्शन ए आपको लग रहा है कि जैसे ये ए ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है, तो आप सब में ए कर डालो, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम क्या होता है, जैसे ऑप्शन क्या होता है, सी ही होता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, ठीक है, जैसे इसमें देखिए 1 2, ठीक है, 3 4 5 6, ऐसे सी लगा, कंटिन्यू सी है आपका, ठीक है, तो कंटिन्यू मार देंगे, सी तो होगा, ठीक है। जैसे होता नहीं है इसमें, तो माइनस मार्किंग तो है भी नहीं आपका, और फिर भी आपका क्या होगा, 1 1 मार्क्स हो जाएगा। अगर मान लीजिए लेट सपोज आपका एक गलती होता है, बाकी और मार्क्स आपका इंक्लूड हो जाएगा, ओके। देखो अब सेक्शन बी में आते हैं। देखिए सेक्शन बी में जैसे मान लो कह रहा है आपका हेनरी लाया, ठीक है, ये आपका एक मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है इसकी जगह पे, अब देखो जैसे मान लीजिए ये, आपको क्या करना है, जैसे आप मान लीजिए वीक इलेक्ट्रोलाइसिस, यहाँ पे बस ये ग्राफ बना दिया, आपको क्या करना है, एक मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखो जैसे इसके जगह पे और करके क्वेश्चन दिया है, अगर आपको जैसे फार्मूला पता है ए पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई का वैल्यू रखो, बस इतना रख दो, अगर आप इतना भी करते हो तो आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब बच्चे क्या करते हैं कि जैसे इतना लिखिए, अब उनको नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ, इसके आगे फार्मूला नहीं है, आप इतना भी करते हो फिर भी आपको बोर्ड क्या करेगा, हाफ मार्क्स आपको दे देगा, ठीक है। अब जैसे इसके आगे अगर आपको फार्मूला पता है इतना आ रहा है, तो फिर भी आप इसको भी लिख दो, फिर भी आपका 1 मार्क कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसी तरह अगर आपको पूरा आ रहा है, अगर आप यहाँ तक भी छोड़ दे रहे हो, तो देखो फिर भी आपका इतना आपका मार्क्स ऐड हो जा रहा है। पूरा आ रहा है तो पूरा कर दीजिए, आपका पूरा 2 मार्क्स पूरे हो जाएंगे। तो ये है कि स्टेप बाय स्टेप, अगर आप नहीं आ रहा है आपको, 1 बाय 1 ही आ रहा है, जैसे मान लीजिए इतने स्टेप तक कर दिया, तो आप इतना भी कर देंगे फिर भी आपको एग्जामिनेशन मार्क्स दे दे। जैसे ये है, अगर आप एक लाइन भी करते हो तो हाफ मार्क्स आपको तुरंत आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अब देखो जैसे ये है रिएक्शंस, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये दिया है, ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपको जितना आ रहा है क्या करना है, जैसे ये आपका रिएक्शन दिया है, अब कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ पर रिडक्शन, कहाँ पर ऑक्सीजन, बस कुछ नहीं करना है आपको, 1 मार्क्स तुरंत ऐड हो जाएगा। आपको जितना आ रहा है उतने स्टेप आप कर दो, ठीक है, आपका तुरंत मार्क्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो जैसे ये है आपका, ये है आपका, जैसे मान लीजिए ए है, ठीक है, ये क्या है, क्लोरोप्रोपेन है, ठीक है, क्लोरोप्रोपेन का स्ट्रक्चर है ये आपका दिया गया है। आपको क्या करना है, जैसे ये है, ये आपको जो भी आ रहा है उसको कर दो फटाक से, आपका क्या हो जाएगा, हाफ मार्क्स हो जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है कि इतना करो, इतने ये आ रहा है वो नहीं आ रहा, अब बस तुरंत नेम ही लिख दो, जरूरी आप IUPAC नेम पता है, बस तुरंत फटाक से लिख दीजिए, 2 पे क्लोरो है, 2 क्लोरो क्या हो गया, प्रोपेन हो गया, सिंगल बॉन्ड है, इतना आपको करना है, कुछ नहीं करना है। आप 1 बाय 1 भी लिख दे रहे हो, जरूरी नहीं है आप पूरा लिखो उसको, थ्योरेटिकल पूरा लिखो, आपको जितना आ रहा है, अगर आप एक स्टेप भी लिख देते हैं तो फिर भी आपको बोर्ड इतना मार्क्स देता है, ठीक है। अब देखो जैसे ये हो गया, ठीक है, जैसे ये मान लीजिए और करके क्वेश्चन दिया है, जैसे मान लो ये, ठीक है, ये आपका है, अब कहाँ पे स्लो हो रहा है, कहाँ पे फास्ट रिएक्शन हो रहा है, अगर आप एक एरो से हल्का सा मैकेनिज्म दिखा दो, एक लाइन का दिखा दो, फिर ये आपको हाफ मार्क्स हो जाएगा। पूरा आ रहा है कर दो, 1 मार्क्स तुरंत आपको मिल जाएगा। देखो यहाँ पे तुरंत फटाक से आपको 1 मार्क्स मिल जाएगा, पूरा आता है पूरा कर दीजिए। अब देखिए जैसे ये पे है, ठीक है, आपको मान लीजिए इतना आ रहा है तो आप कर दीजिए, 1 मार्क्स आपको तुरंत मिल जाएगा। अब देखो इसी तरीके से है, ये कहना है कि थ्योरेटिकल लिखने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर आप कॉन्सेप्चुअल चीज़ें वन आप थोड़ा बहुत लिखते हैं, नहीं पढ़े हैं कुछ भी नहीं है, अगर 1 बाय 1 स्टेप भी लिख देते हैं तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, इस तरीके से है। अब देखो जैसे यहाँ पे दिया है आपका, ये है रिएक्शन, ठीक है, आपका दिया गया, अगर आप इतना भी बना देते हो, यहाँ तक अगर आप ये छोड़ दो, फिर भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। पूरा आ रहा है पूरा कर दीजिए, 1 मार्क्स आपको तुरंत हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से होता है। जैसे ये क्वेश्चन है, देखो पेप्टाइड लिंकेज दिया गया यहाँ पे है, ग्लूकोज का रिएक्शन कराया है, HI आपका हीट के प्रेजेंस में, देखो
कोई आपका क्या है ये बन रहा है, ठीक है। आप डायरेक्ट कर दो, मैकेनिज्म मत दिखाओ, बट फटाक से आपका वन मार्क्स गेन हो गया। कौन सा पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है, इसी तरीके से आप करो। आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का डिफरेंस क्या है, एट लीस्ट आपको जरूरी नहीं है 3 या 4 लाइंस में लिखो तभी आपका होगा। 2 लाइन आप ला रहे हैं, फटाक से लिख दीजिए, वन मार्क्स आपको तुरंत कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, जैसे मान लीजिए ये है, जैसे हो भी कोई भी हो गया, जैसे मान लीजिए ये आपका दिया है पार्शियल प्रेशर से रिलेटेड, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल दिया है, लेट सपोज आपको नहीं आ रहा है, ठीक है, आप इतना करके छोड़ दो, आपको बोर्ड आप क्या करेगा फिर भी आपको मार्क्स दे देगा, ठीक है। आपको नहीं आ रहा है, अगर आप पूरा कर दे तो पूरा मार्क्स मिलेगा। ये नहीं है कि आप इसको पूरा करिए, डिटेल में पॉइंट में आंसर लाइए, फिर आपको ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से मार्क्स को कंटेन किया जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आइडोमेथेन है, ठीक है, आई मीन मेथिलाइडोट करो, इसमें से कुछ भी लिख दो, कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करने का कि आइडोमेथेन करेंगे कि मेथिलाइडोट करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आपके रिएक्शन है, आप जैसे 1-1 मार्क्स के हैं, ये आप कर दो, 1 मार्क्स मिल गया, ये हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। अब चलिए आते हैं, ये हो गए इसी तरीके से। अब ये देखिए, जैसे मान लीजिए आपका ये सेक्शन ई में आता है, देखो सेक्शन सी में देखो, इसमें भी दिया है क्वेश्चन, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैन बी रिप्रेजेंटेड द सम, जैसे मान लीजिए ये है। देखो अब इसी स्टेप में देखो, जैसे मान लीजिए आपको नहीं पता है, बस आपको फार्मूला पता है, ठीक है, फार्मूला पता है जैसे ये है, तो आप क्या करो, अगर इतना स्टेप लिख दिए, ठीक है, इतना स्टेप लिख दिए, पुट वैल्यू को पुट कर दीजिए, आप नहीं आ रहा है उसके आगे क्या करना है, इसकी ई नॉट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो ऐसा कुछ नहीं करने का। आप यहाँ तक अगर आप कर दे रहे हो फिर भी आपको क्या है, हाफ मार्क्स आपका क्या होगा, कंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप यहाँ तक आ रहे हैं 1 मार्क्स मिल जाएगा। जरूरी नहीं लॉग कैसे की वैल्यू, अगर आपको नहीं पता तो आप ना करिए, आप यहाँ तक कर दीजिए, फिर भी आपको 1 मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा आ रहा है तो पूरा कर दीजिए, बाकी फुल मार्क्स आपको मिलेंगे ही। अगर जैसे लेट सपोज जैसे ये है, आप किसी लोगों क्या होता है लॉग की वैल्यू निकालने नहीं आती है, वैल्यू पुट कर देते हैं, आप क्या आंसर आएगा क्या नहीं आएगा, तो ये नहीं पता होता। अगर आप इतना भी स्टेप कर दे रहे हो तो आपको इतना मार्क्स आपको मिल जाएगा, 1 मार्क्स आपको, अगर आप पूरा करो तो पूरा मार्क्स आपका हो जाएगा इंक्लूड, ओके। तो इस तरीके से ये थे, ठीक है, ये है आपके केमिस्ट्री क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरीके से आते हैं, डाइल्यूट NaOH है, अब इसका रिएक्शंस कराएंगे ये इन द उसके बाद क्या है हाइड्रोलाइसिस कराएं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका रिएक्शन करना है तो आपका 1 मार्क्स तुरंत क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके केमिस्ट्री क्वेश्चंस, इसी तरीके से रिएक्शंस के देंगे, जरूरी नहीं आप पूरा थ्योरेटिकल लिखो तभी आपका हो ऐड हो मार्क्स, ओके। तो ये थे आपके केमिस्ट्री क्वेश्चंस, ओके, दैट्स ऑल, थैंक यू।